आपको आपके शैम्पू में सिर्फ दो चीजें ऐड करनी है और अपने बालों को आप लंबा घना मजबूत सिल्की शाइनी स्मूथ बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, जिन लड़कियों के मेरे पास बार बार कमेंट्स आते हैं कि स्कैल्प पे सिर्फ 80% बाल बचे हुए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा जो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, इतने सारे जो DIY आप अपने बालों पर लगाते हैं आपको एक भी DIY अपने बालों पर नहीं लगाना है, क्योंकि जितने आप DIY लगाएंगे उतने ही आपके बाल ऐसे निकलते जाएंगे और हाथ में आते जाएंगे और आप टकले होना शुरू हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि यार दी आप तो बोलते हैं DIY लगाने से ये होता है, बाल लंबे होते हैं, होते हैं, लेकिन ये आप लोगों पे लागू नहीं है क्योंकि आपकी जो स्कैल्प है ना वो इतनी वीक हो चुकी है कि अगर आप उस पर कुछ भी लगाएंगे ना तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके ऊपर क्या लगाया जा रहा है और उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो वीक हो चुकी है, उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं है। इसीलिए आप जितनी चीज़ें लगाएंगे तो आपके बाल निकलते जाएंगे। अब आपको करना क्या है, कुछ दिन के लिए रेमेडी स्टॉप कर देनी है कुछ दिन के लिए। अब आपको कुछ दिन क्या करना है, Omega-3 लेना है, विटामिन सी लेना है और आपको आपका जो HB है वो चेक करवाना है। Omega-3 का और विटामिन सी सप्लीमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप अपनी चॉइस का लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन DIY कुछ दिन के लिए आपको स्टॉप करना पड़ेगा और ये सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, फिर देखिए कि आपको कैसे बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, आपके बाल कैसे लंबे घने होना शुरू हो जाते हैं। आज का DIY की भी बात कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो चलिए फिर देखते हैं आज का DIY। शैम्पू में बस दो चीज़ें ऐड करके लगानी है, चाहे आपके बाल ड्राई हैं, नॉर्मल हैं, ऑयली स्कैल्प है, आपके बाल कर्ली हैं, आपके बालों में फ्रिज है, आपके बाल जल्दी से गंदे हो जाते हैं, आपके बाल लंबे नहीं बनते हैं, आपके बाल मोटे नहीं बनते हैं, आप परेशान हो चुके हैं अपने बालों से, तो इस तरीके से अगर आप शैम्पू करते हैं इन दो इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स करके तो आपके बाल बहुत सुंदर बनना शुरू हो जाएंगे। मैंने एक पैन के अंदर एक गिलास पानी लिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है फ्लैक्सीड यानी कि अलसी, बड़े आराम से किसी भी स्टोर पर मिल जाएगी। ये देखिए ये है अलसी, ये आपके बालों में केराटिन ट्रीटमेंट जैसा इफेक्ट डालेगी, आपके कर्ली बालों को सीधा बनाएगी, अगर बहुत ज़्यादा फ्रिज आ गए हैं उनको सीधा करेगी, आपके बालों पे एक लेयर से जमाती जाएगी क्योंकि इसके अंदर केराटिन होता है, इसके अंदर Omega-3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके बालों को मोटा बनाते हैं। अगर आपके बालों की डेंसिटी बिल्कुल चली गई है तो ये आपकी डेंसिटी को वापस लाएगा, वॉल्यूम लाएगा, आपके बालों को बेहतरीन बनाएगा। अब इसको आपको बिल्कुल जेल नहीं बनाना है, मतलब कि ज़्यादा थिक जेल नहीं बनाएंगे हम, थोड़ा सा मतलब कि लिक्विड ही रखेंगे, प्रॉपरली तरीके से आपको नहीं बनाना है। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जब हम इसको बनाएंगे प्रिपेयर करेंगे तभी इसके अंदर डालेंगे, तो अच्छे से कम आप 5 या 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे लो फ्लेम के ऊपर, हल्का सा जेल आप इसका बनने देंगे और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। ये इतना बेहतरीन तरीका है अपने बालों को मोटा लंबा घना बनाने का कि एक तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप बस शैम्पू करते हैं उसी टाइम आपको इसे लगाना है। ओके, तो इसे हम अच्छे से पका लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इसके पानी की क्वांटिटी कम हो चुकी है और हल्का सा स्टिकी बन चुका है, यानी कि हमें जेल मिल चुका है। अब आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसे हम कर लेंगे स्टेन, गरम गरम ही करना है आपको ताकि अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से आपको, और जो ये बचा हुआ है ना आप इसको मिक्सर जार में घुमा के इसका पैक बना के अपने फेस पे लगा सकते हैं, इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आप चाहें तो इसको एक दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं ताकि आप नेक्स्ट डे इसका पैक बना सकें। तो इसे हम पहले हल्का सा ठंडा होने देंगे। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है आपका क्लोंजी, इसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। अब आपको क्या करना है, मैंने ये 2 चम्मच लिए हैं और थोड़ा सा ही पानी डाला है, ये देख सकते हैं, ताकि सिर्फ क्लोंजी इसी के अंदर डूब जाए। अब आपको इसके अंदर डाल देना है मिक्सर जार के अंदर और इसके साथ ही हम डाल देंगे हमारा जो फ्लैक्सीड जेल था ना, जो थोड़ा सा लिक्विडी था। अब आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल अच्छे से घुमाना है मिक्सर जार में ताकि इसका एक लिक्विडी पेस्ट बन जाए। इस तरीके से आपका इस तरीके का पानी तैयार हो जाएगा। अब हम उसी कंटेनर के अंदर इसको छान लेंगे। ओके, तो लीजिए ये आपका शैम्पू बनके तैयार है, लेकिन लगाने से पहले एज यूजुअल आपको इसके अंदर डालना है शैम्पू। मैं लगभग 2 चम्मच के करीब शैम्पू डालती हूँ बालों में, 1 और 2, थोड़ा सा और इस तरीके से। तो अगर आप इस तरीके से शैम्पू करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, आपके जो बाल हैं वो एकदम से सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिज है तो आपको फ्रिज कम हुआ मिलेगा,
कर्ली बाल हैं तो उनमें अच्छे से कर्ल आ जाएगा, बहुत प्यारा सा कर्ल आ जाएगा। ड्राई बाल हैं तो भी आप इसको लगा सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो ये बहुत ही बेहतरीन आपका शैम्पू बन के तैयार हो गया है। ये देखिए इसके अंदर शाइन, कितनी प्यारी शाइन है ये देखिए। तो कुछ इसी तरीके की शाइन आपके बालों में आ जाएगी। तो कब करना है, कैसे करना है, वो भी चलिए फिर सारी बातें देख लेते हैं। हाय जी, इस तरीके से आपको आपका जो शैम्पू है वो बना लेना है और शैम्पू आपको कर लेना है। मेरे शैम्पू करने का तरीका क्या है आप लोग सभी जानते हैं। तो ये शैम्पू मैंने लिया, मग में डाला और उसे अपने बालों पर डाल दिया। मैं अपनी नेक को डाउन करके हेयर वॉश करती हूँ, हमेशा से ही मेरी यही आदत है। आजकल तो क्या है, थोड़ा सा फैशन आ गया है, लोग है ना शावर लेके ऐसे, वो मुझे तो ये भी नहीं पता वो क्या बोलते हैं, शावर ही बोलते होंगे, उसको लेके ऐसे ऐसे पानी 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 डालते हैं ना। मैं हमेशा इसी तरीके से अपना हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेट होगा। जो आप शैम्पू कर रहे हैं, जो आप रेमेडी लगा रहे हैं, उसका जो पावर है वो आपकी स्कैल्प के अंदर तक जाएगा इस तरीके से शैम्पू करने से। ओके, तो इस तरीके से शैम्पू करके देखिएगा, कुछ महीने रिजल्ट्स आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा और आपके बाल लंबे होना शुरू हो जाएंगे। तो शैम्पू का ये तरीका होता है, अच्छे वाला तरीका यही है। आपकी जो और तरीके आ गए हैं वो तो सारे फैशन वाले तरीके हैं। तो आप इस शैम्पू को वीक में कितनी बार करेंगे, आप इसको जब जब शैम्पू करेंगे, दो बार करते हैं तो ठीक है, दो बार आप कीजिए, तीन बार करते हैं तो तीन बार भी आप कर सकते हैं, लेकिन चार बार आपको वीक में शैम्पू नहीं करना है। बाल रफ हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं और हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तीन बार कर सकते हैं, 10 साल से ऊपर वाली एज वाले हर कोई इसको लगा सकता है। आप इसे अपने बच्चों पे मत लगाइएगा, क्योंकि बच्चों की स्कैल्प थोड़ी नाजुक होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो रेमेडी का असर सहन कर पाए। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यूज करके देखिएगा। जो वर्किंग वूमन है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उनको सिर्फ शैम्पू में ये चीज़ें ऐड करनी है और मनचाहा रिजल्ट आपको मिल सकता है। हमारा एक व्लॉग चैनल है दाकुसुम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो फिलहाल आप वीडियो देख रहे हैं इस पर आपको टच करना है और साइड में आ जाएगा व्यू प्रोडक्ट्स, उस पर क्लिक करना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकल आएंगे और आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिए हैं, जैसे कि ऑयल है, कॉम है, सीरम है, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेक जरूर कीजिएगा। आपका जो भी फीडबैक है या तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और बस इतना सही था, और क्या बताऊँ, और तो कुछ नहीं है। और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिएं, खुश रहें, खुश रखें, पानी पीना जरूरी है हेल्दी वालों के लिए। गर्मियाँ भी आ चुकी हैं, जितना ज़्यादा पानी पियेंगे आपका उतना ही हेयर फॉल कंट्रोल होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, अपना ध्यान रखें।